सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑलमोस्ट फोन के एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पबजी टेस्ट करेंगे वीवो S1 Pro और रियलमी X2 के बीच और देखेंगे कि कौन से फ़ोन में हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन या फिर गैजेट रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, दोनों फ़ोन में गेम प्ले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीवो S1 में आपको स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलता है और रियलमी X2 में स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों दोनों फ़ोन की प्रोसेसर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीवो S1 Pro रियलमी X2 को टक्कर दे पाता है या फिर नहीं। सो सबसे पहले हम रियलमी X2 में गेम प्ले करेंगे और उसके बाद वीवो S1 Pro में। दोस्तों मैं दोनों फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको रॉ फुटेज दिखाऊँगा जिससे आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से समझ आए। सो दोस्तों दोनों फ़ोन में हम एक एक गेम खेलेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको पूरा मैच तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं गेम का वो पार्ट दिखाऊंगा जहां पर ज़्यादा लोग उतरते हैं या फिर हॉट ड्रॉप होता है, वहाँ गेम थोड़ा लैग करती है। सो दोस्तों सबसे पहले हम रियलमी X2 में गेम को प्ले करेंगे। वैसे दोस्तों इस फ़ोन में इन गेम ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें स्मूथ ग्राफिक्स पर अल्ट्रा सेटिंग देखने को मिलती है और दोस्तों HD ग्राफिक्स पर हाई सेटिंग देखने को मिलती है। दोस्तों आप इस फ़ोन में HDR में गेम को प्ले नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप इसमें GFX टूल का यूज करके आप HDR एक्सट्रीम सेटिंग में गेम को प्ले कर सकते हो। अगर आप वो GFX टूल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे दोस्तों फ़ोन की हार्डवेयर की बात करें तो दोस्तों रियलमी X2 में आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर CPU है और दोस्तों इसमें आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं। दो हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है जो कि 2.2 GHz कैरो 470 गोल्ड पे रन करते हैं और 6 एनर्जी एफिशिएंट कोर देखने को मिलता है जो कि 1.8 GHz कैरो 470 सिल्वर पे रन करते हैं। वही दोस्तों इसमें आपको एड्रीनो का 618 GPU देखने को मिलता है जो कि एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन है और दोस्तों इसमें आपको 6GB और 8GB रैम दो वेरिएंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलता है जिससे गेम लोडिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 6.4 इंच का है और दोस्तों इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सो दोस्तों आप इस गेम प्ले को देखिए और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे वीवो S1 Pro को। सो दोस्तों अब वीवो S1 Pro में गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन में हमें कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन की इन गेम सेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में भी आपको अल्ट्रा सेटिंग देखने को मिलती है स्मूथ ग्राफिक्स पर और HD ग्राफिक्स पर हाई सेटिंग देखने को मिलती है। दोस्तों इस फ़ोन में भी आप HDR में गेम को प्ले नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोन की स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का 675 देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर CPU है और दोस्तों इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये 2.0 GHz कैरो 460 गोल्ड पर रन करता है। दो हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं और 6 एनर्जी एफिशिएंट कोर देखने को मिलते हैं जो कि 1.7 GHz कैरो 460 सिल्वर पर रन करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको एड्रीनो का 612 GPU देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी अच्छा GPU है और बजट रेंज के हिसाब से दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6GB और 8GB रैम दो वेरिएंट देखने को मिलती है और इस फ़ोन में भी आपको 2.1 UFS का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन में भी आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है जिससे बैटरी काफ़ी कम कंज्यूम होती है। सो दोस्तों अब आप दोनों फ़ोन की पबजी टेस्ट को देख चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि कौन से फ़ोन में आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको लगभग परफॉर्मेंस देखने को सेम ही मिलता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी माइनर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलती है आपको दोनों फ़ोन में। सो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको अलग हार्डवेयर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों स्नैपड्रैगन 730G काफ़ी फास्ट है डे टू डे यूज में स्नैपड्रैगन 675 से। सो दोस्तों ये था पबजी टेस्ट रियलमी X2 और वीवो S1 Pro के बीच। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही स्मार्टफोन या फिर गैजेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।